पिछले 9-10 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया पर मेरे कुछ साक्षात्कार को लेकर के सरासर गलत तरीके से झूठे शीर्षकों के साथ प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि मैंने ऐसा दावा किया कि ज्ञानवापी में मस्जिद को लेकर के जो अदालत के द्वारा सर्वे हुआ उसमें जो शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई वो शिवलिंग नहीं है, फवारा ही है। यह सरासर गलत और झूठ था। मैंने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया। किस मीडिया ने आपका इंटरव्यू लिया था, कब लिया था? कई लोग, एक बड़ा बड़ा मीडिया ग्रुप है और उस ग्रुप के कई लोग अलग अलग नाम से अलग अलग उससे कई दिनों तक मिले, चर्चाएं हुई, संस्मरण पे चर्चा हुआ कि आप नजदीक हैं, आप लोग जानते हैं क्या स्थिति रही, पहले क्या था, इस समय क्या है। उसी संस्मरण को प्रस्तुत किया गया पर जो अभी ज्यादा बितंडा खड़ा हुआ वह एक मीडिया ग्रुप के द्वारा कई बार साक्षात्कार रिकॉर्ड किया गया, उसको 5-6 मिनट के आसपास का जो प्रसारित किया गया, उसी के बाद यह शुरू हुआ जिसका मुझे बहुत शौक हुआ। कुछ लोगों को हमने इस बारे में जानकारी दिया, लोग आए बताया, अपनी बातों को स्पष्टता से रखा, लेकिन यह एक कुचक्र जैसा हमको महसूस हुआ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, एक धार्मिक स्थान पे, धार्मिक पद पे आसीन हूँ, मुझे ऐसे किसी भी उसमें घसीटा जाना या कहीं से उचित नहीं। तो आपने क्या निर्णय लिया है? अब कोई कानूनी कार्रवाई भी आप करेंगे? क्या निर्णय लिया आज, क्या किया आज? हमने जो है उसका दोषी मैं अपने आप स्वयं को माना और मुझे इसका कहीं कोई कानूनी कार्रवाई किसी को नहीं करनी है, जैसा अभी आप पूछ रहे थे, किसी को नहीं। मेरा सबसे बड़ा जो न्याय का देवता है वो मेरा ही देवता है, जिसका मैं किंकर सेवक हूँ, वो मेरे भीमेश्वर प्रभु उसका निर्णय स्वयं करेंगे। मैं सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी है, मैंने सब कुछ उनको अर्पण कर दिया। तो आप त्याग पत्र दिए, क्या हुआ? बिल्कुल, मैंने इस क्षोभ के साथ जो मुझे पश्चाताप हुआ उसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पथ शिव सायुज्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा था, उसमें यह जो व्यवधान उपस्थित हुआ, इस व्यवधान ने मुझे व्यथित किया। मेरा आंधिक पिछले दिनों में कई बार व्यतिक्रम हुआ, पूरा नहीं हो सका, इस बात का मुझे बहुत कष्ट हुआ। उसी कष्ट से उद्वेलित होकर के मैं अपने स्वविवेक से, अपनी इच्छा से मैंने इस पद को अपने अनुज को समर्पित किया। हालांकि यह पद अभी तक के हमारे जानकारी के इतिहास में, महंत इतिहास में सदैव महंत की मृत्यु के उपरांत ही स्थानांतरित होता रहा है, लेकिन यह ऐसा उपस्थित बीच में जो व्यतिक्रम हुआ है, यह प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि कोई महंत अपने जीवन काल में स्वयं से यह पद अगले महंत के रूप में समर्पित कर रहा है। दूसरा